जय हिंद। नमस्कार। आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आने वाले समय में तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होनी है, यूपीपी का एग्जाम होना है, यूपीपीसीएस प्री का होना है, आरओ यारो का होना है, उसके बाद बीईओ का भी होना है, एलटी का होना है, टीजीटी पीजीटी, बहुत सारे एग्जाम आने वाले समय में होना है। तो उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो समान अध्ययन की श्रृंखला है, समान अध्ययन का जो पाठ है भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको हम टॉपिक वाइज, हालांकि संविधान के बाद इतिहास, इतिहास के बाद भूगोल, भूगोल के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, करंट, ये सारी चीज आपको मिलते रहेंगे, लेकिन पहले हम भारतीय संविधान और इतिहास, ये दो पार्ट लेकर चलेंगे। भारतीय संविधान में जो पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हम आपको यहाँ उपलब्ध कराते रहेंगे और हम लोग आपस में डिस्कस करके तैयारी करते रहेंगे और आपका प्रैक्टिस भी होता रहेगा। तो आइए आज से हम लोग शुरू करते हैं पीवाईक्यू भारतीय संविधान का जो पहला चैप्टर है, भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, कहां से शुरुआत हुई, वहां की टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, जिसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम के बाद जो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार होता है, वहां तक की सारी चीजों यानी वहां तक की सारी जो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग डिस्कस करेंगे, तैयार करेंगे और फिर आगे ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, यानी पहले भारतीय विधान परिषद में भारतीयों को विधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त नहीं हुई थी। तो इसमें जो दिया देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इसमें नहीं मिला था, 1861 क्यों प्रसिद्ध है, 1861 प्रसिद्ध है विभागीय प्रणाली शुरू करने के लिए। क्या विभागीय प्रणाली याद करते जाइए, विभागीय प्रणाली शुरू करने के लिए प्रसिद्ध है, या इसी को कहते हैं मंत्रिमंडली, यानी भारत में मंत्रिमंडली सिस्टम जो शुरू हुआ कहां से शुरू हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 से शुरू हुआ। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 बहुत ही फेमस है, सभी लोग जानते हैं इसको, मॉरले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाने जाते हैं, और यह इसी में पहली बार पृथक निर्वाचन का जिक्र किया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 जो बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था, और उसमें आप इससे संबंधित क्वेश्चन अक्सर आता है कि उत्तरदायी शासन का उल्लेख पहले कहां किया गया था, तो वह 1919 में किया गया था, और भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा पहली बार बजट पर चर्चा करने का और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बल्कि इस अधिनियम के द्वारा मतदान करने का और अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, सिर्फ बजट पे आप चर्चा कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन वोटिंग या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था, इसलिए 1892 का अधिनियम हो गया। दूसरा दिया है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था, जो संविधान सभा बना था हम सभी जानते हैं उन संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था, तो सभी लोग जानते हैं कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के द्वारा जो भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था उनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्यों द्वारा, यानी प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा हुआ था, यानी प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा हुआ था, जनता के द्वारा नहीं हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा भी नहीं हुआ था, तो क्या हो गया, प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुआ था भारत के संविधान सभा के सदस्यों का। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि सूची वन और सूची टू में मिलान करना है, इसमें दिया है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य
ये किस किस अधिनियम में गृहणित किया गया था? आपको सबसे पहले पता है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हम सबको पता है कब हुआ था, ये हुआ था 1773 में। कब हुआ था? 1700 रेगुलेटिंग एक्ट, 1700 नियामक जो अधिनियम, इसको कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में के तहत 1774 में ये बन के तैयार हुआ था। नियंत्रण परिषद की स्थापना, नियंत्रण परिषद की स्थापना जो हुआ था वो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 में हुआ था। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति जो दिया गया था वह कब दिया गया था? वह दिया गया था चार्टर अधिनियम 1813 के तहत, और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य यानी एक पांचवा सदस्य कानून के रूप में, विधि सदस्य के रूप में, विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया, कानूनी सदस्य की नियुक्त किया गया। वह किस अधिनियम के तहत किया गया था? 1833 के तहत, जिसको आप सभी लोग जानते हैं लॉर्ड मैकाले के रूप में आए थे। ये पांचवा विधि सदस्य के रूप में पांचवा विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, वो 1833 के अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये आपका मैच करने के लिए हो गया, क्योंकि ऑप्शन इसका नहीं लिखा गया तो ऐसे ही हम मैच कर दिए। नेक्स्ट दिया है, देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? तभी आप देखें इसमें क्या था, 1773 के अधिनियम के तहत क्या था, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। और इसमें इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का बात की गई थी। नेक्स्ट, केंद्र में द्वैध शासन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो आपको पता है कि अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन था, लेकिन भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? मतलब यह हुआ कि जो कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का संख्या निर्धारित किया गया था वह जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया था। तो इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहा कि कितनी जनसंख्या पर एक सदस्य को नामित किया जाता था, यानी निर्वाचन किया जाता था, तो वह है 1,000,000 प्रति व्यक्ति, यानी 1,000,000 पे 1,000,000 जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित होते थे, 1,000,000 की संख्या पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक निर्वाचन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचन सभा द्वारा सर्वप्रथम भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। कह रहा है कि किस के द्वारा पहली बार भारत में संविधान सभा का गठन के लिए, यानी संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था, किसके द्वारा संविधान निर्माण का प्रस्ताव रखा गया था? तो यह है आपका क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन के द्वारा पहली बार संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव रखा गया था। हालांकि इसके पहले आपके 1922 में गांधी जी के द्वारा रखा गया, समय समय पर तिलक जी के द्वारा रखा गया था 1893 में ही, लेकिन निर्वाचन संविधान सभा द्वारा जो पहली बार रखा गया था वो कहता है क्रिप्स मिशन के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? सी। भारत में उपनिवेशिक शासन के संदर्भ में 1883 में इल्बर्ट बिल, जो बहुत ही फेमस विवाद रहा, का उद्देश्य था, तो इल्बर्ट बिल का जो विवाद था वो रियल में इल्बर्ट ये चाहते थे कि जो न्यायालय में दंड देने की जो प्रक्रिया है, न्यायालय में जो न्याय करने की प्रक्रिया है, वो भारतीयों और यूरोपियों दोनों के लिए सेम हो, लेकिन ब्रिटिश के लोगों ने इसको इनकार किया, नहीं माना, तभी जाकर भारतीय लोगों के आंख की पट्टी खुला रहे। ये तो मेरे साथ मतलब मीठे मीठे वो खाएंगे, मीठे मीठे गप गप, तीखा तीखा थू थू, तो फिर इसी स्थिति में जो था, इस स्थिति में भारतीयों के अंदर एक राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, और फिर धीरे धीरे जो है अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की स्थिति पैदा होना शुरू हो गई, यानी अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजने के लिए, खदेड़ने के लिए भारतीयों के अंदर एक अग्नि की ज्वाला जलने लगी। तब इसका उद्देश्य क्या था? देखिए इसमें क्या था कि जहां तक अदालतों की दांडिक अधिकारियों का संबंध था, भारतीयों तथा यूरोपियों के लोगों के लिए बराबरी रखना, यही उद्देश्य था, यानी वो चाहते थे कि दोनों के लिए बराबर हो, लेकिन यूरोपीय लोगों को ये पसंद नहीं था। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये दिया कि राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है, राष्ट्रपति को अध्यादेश, जो आज के डेट में अनुच्छेद 123 के तहत
राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वह कहां से प्रेरित है, कहां से शक्ति प्राप्त हुई है, तो भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत शासन अधिनियम के 1935 के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ये प्राप्त हुआ है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए पीछे 2008 में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट दिया कि भारतीय विधान परिषद का प्रथम बार द्विसदनी कब बनाया गया, प्रथम बार द्विसदनी कब बनाया गया, तो कह रहा प्रथम बार द्विसदनी कब बनाया गया, तो यह आपका 1919 भारत सरकार अधिनियम है, क्या है 1919 से 1909 ऑप्शन है, 1919 भारतीय अधिनियम के तहत, भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के तहत, 1919 के भारतीय काउंसिलिंग एक्ट के तहत पहली बार भारतीय विधान परिषद को द्विसदनी बनाया गया, दो सदन बनाया गया, द्विसदनी बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1919 के भारत शासन अधिनियम निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता थी, 1919 के अधिनियम में, देखिए क्वेश्चन आईएएस में पूछा हुआ है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, बिल्कुल गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरा है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, ये बिल्कुल सही है। केंद्र द्वारा प्रांतों है, क्या है प्रांतों है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का स्थानांतरण, बिल्कुल सही है। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी सही है, तो जब पहला आपका गलत है, दो और तीन सही होगा, किस ऑप्शन में, सी ऑप्शन में, सी जो है दो और तीन सही है, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई, कह रहा है किस अधिनियम द्वारा संघीय शासन की स्थापना की गई, तो संघीय शासन की स्थापना यह आपका किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत में संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किसके द्वारा नियुक्त किया गया, कह रहा ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, बिल्कुल गलत, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, बिल्कुल गलत, विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया, बिल्कुल गलत, यानी ए सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ये आपको पता है कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत 1946 में क्या था कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतों के विधानसभा के सदस्यों द्वारा, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया, यानी पहले भारतीयों को संविधान, भारतीयों को शासन में हिस्सेदारी नहीं मिलती थी, तो पहली बार कुछ व्यवस्था की गई, किसके द्वारा किया गया, वह 1833 एक्ट के तहत, 1833 एक्ट के तहत पहली बार भारतीयों को शासन में कुछ हिस्सेदारी दी गई। ऐसे दिया स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र सभा के संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ऐसे ही आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उप सभापति कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, कौन थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सबको पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे, लेकिन बाद में अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कौन हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष कौन हो गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। ऐसे ही नेक्स्ट आपका लास्ट 18 नंबर क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था, यह भी यूपीपीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस तरह से हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास, भारतीय संविधान, भारत का संवैधानिक इतिहास से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखे, हालांकि आपका फर्स्ट पार्ट है, अभी इस पे एक पार्ट और एक क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन का सीरीज आएगा जो कल आएगा, तो इसके बाद जब भारत का संवैधानिक इतिहास खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग क्रम से जितने भी संविधान, भारतीय संविधान के पार्ट हैं, जितने भी चैप्टर हैं, तो चैप्टर वाइज हम TYQ क्वेश्चन आपको पर डे कराते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, आपकी तैयारी होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का आपकी तैयारी होता रहे तो वीडियो ऐसे मिलते रहे, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे आप ऐसे पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें, निश्चित तौर पर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, उस तरह के सभी क्वेश्चन आपके सामने हम लेकर आएंगे, आपकी भी तैयारी होगी, हम लोग आपस में सब लोग मिलकर तैयारी करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।